तो जब आप ये समझ गए हैं कि स्कोरबोर्ड की जरूरत है, और इसमें बड़ी डिटेल में बताया गया है कि मेजरमेंट के जो स्केल्स हैं वो बनाने हैं और उसको किस तरह आपने डिस्प्ले करना है, तो इसमें मुख्तसर सी शॉर्ट सी कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर कर देता हूँ। KPIs होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब इनका तस्वर लेते हैं, मैं जब इसको पढ़ा और इसको फिर चेक किया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो अल्लाह पाक ने हर जगह पे हर इबादत के साथ KPIs बनाए हैं। आमतौर पे अब नमाज कैसे मेजरेबल है, नमाज के अंदर वाजिबात बनाए, सुन्नत, नफल, वो ये सारा बनाया, तो ये क्या है कि ये अगर छोड़ दिया तो नमाज नहीं होगी। तो इस तरीके से हम टीचर के KPIs बना सकते हैं फर्ज के लेवल पर कि ये कंपल्सरी हैं। अच्छा जी, फिर सुन्नत में दो उसमें बना दी हैं, मुकदा और गैर मुकदा, कि ये कंपल्सरी हैं, ये आप कर लें तो ठीक है। तो ये सारी जो जितनी मॉडर्न मैनेजमेंट साइंस है, इन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को बड़ी डिटेल में स्टडी किया और उससे कॉन्सेप्ट निकाले हैं। ये कुरान से और अल्लाह की दी हुई किताब से और यूनिवर्सल सक्सेस बुक से कैसे बाहर जा सकते हैं। अच्छा, तुम खर्च करो तुम्हें 10 गुना मिलेगा। अब ये 10 क्या है, ये KPI स्कोर है। वो ये कहा गया कि योम हशर को आपके स्कोर मेजर किए जाएंगे, नेगेटिव स्कोर और पॉजिटिव। अगर किसी के नेगेटिव स्कोर ज्यादा हुए तो दोजक में पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी तरीके से आप देखें, उसका तो एक ड्रावा दिया है, मगर अगर नमाज कजा हो गई है, अब कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर KPIs की तरफ आते हैं। नमाज कजा हो गई है, नमाज नहीं पढ़ सके, तो आप उसको एक अदा कर लें, उसके बहुत ज्यादा अजर सवाब तो नहीं है, मगर यह है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रोजा अगर रखेंगे तो ये फायदा है, इतने गुना अजर मिलेगा, ये रिवार्ड है सारे। और अगर तोड़ देते हैं तो ये पनिशमेंट है, अगर मजबूरी में छोड़ देते हैं तो फिर ये कर लें आप। तो ये क्या है, यहां से मैनेजमेंट ने सारी, ये 4DX है इस वक्त मॉडर्न स्कोर बोर्ड पे, जितने भी जबरदस्त मैनेजर्स लीडर्स हैं इस पे बात करते हैं कि परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट कैसे करना। और जिन इदारों में इस पर, इन्होंने इस जगह पे लिखा है अप्रोक्सीमेट जो इंटरनेशनल लेवल पे 100 ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज हैं, उस पे ये फार्मूले को अप्लाई किया और उसके रिजल्ट लिए और उसके मुताबिक इसको स्टैंडर्डाइज किया। तो अब क्वेश्चन है कि टीचर क्लास में KPIs बनाए ताकि स्कोर बने और स्कोर को मॉनिटर करें और मॉनिटर की बेस पे एवेल्युएशन हो। क्या स्कूल में प्रिंसिपल कुछ KPIs बनाए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो स्कोर दे, स्कोर को हम मेजर करें और उसके मुताबिक हम पोजीशन बनाएं। तो इसमें आमतौर पे जो स्कूल में होता है वो सिर्फ स्टडी के लिए होता है। अब इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा है कि उसमें उन्होंने फॉर्मल असेसमेंट में उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनकी ड्रेसिंग, बेशमार चीज़ों को इंक्लूड करके, तो उससे क्या हुआ है कि उनकी कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। तो KPIs का थोड़ा आइडिया हुआ आपको कि क्या करना है। आम अब ये चीज़ें मेजरेबल ही नहीं है, नमाज, दुआ, ज़कात, आप इतने खर्च करो, आप फलां जगह पर अदा करो तो इतने गुना सवाब है, मस्जिद नबवी में पढ़ो तो ये इतने स्कोर मिलेंगे, फलां जगह पे पढ़ोगे इतने स्कोर मिलेंगे, इस माह में इस रात को करेंगे तो इतने स्कोर मिलेंगे। दिनों को, प्लेसेस को आपने मुख्तलिफ स्कोर्स के साथ अटैच कर दिया है। तो क्या हम स्कूल में ये आइडियाज नहीं ला सकते, मॉडर्न मैनेजमेंट हमारे आइडियाज पकड़ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाए और अपने स्कोर बढ़ा दे और हम अपने स्कोर और अपनी परफॉर्मेंस ना बढ़ाएं? तो ये जुल्म ज्यादती होगा।